दोस्तों स्वागत है तारापीठ जाने का ये सेकंड व्लॉग में। पहला व्लॉग जो नहीं देखा प्लीज देख लीजिए। ये क्रिकेट किरीटेश्वरी टेंपल तक आने का इस मंदिर का पूरा सीन मैंने दिखाया, कैसे कोलकाता पे आ सकते हो। ये जो मेरा तारापीठ का जो ट्रिप हो रहा है ये कुछ पार्ट में हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ तारापीठ को मैं एक्सप्लोर करने नहीं आया हूँ। यहाँ पर टोटल 6 पीठ है, जो 51 जो पीठ है माँ काली का पूरा इंडिया भर में, वहाँ पे आउट ऑफ 51 6 पीठ तो यहाँ पर ही है इस जगह पे, इस जगह जो क्या बोलूँ जो लाइक तारापीठ के आसपास ही है। तो ये पूरा जगह हम लोग एक्सप्लोर करना है। तो पहला पीठ एक्सप्लोर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नौलहाटी। नौलहाटी दूसरा जगह, इस जगह पे काली माता का मुकुट और सर का जो इस वाला पोर्शन जिसे इंग्लिश में फोरहेड बोलता है ये गिरा है, और दूसरे जगह पे गला गिरा है, वो जगह भी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले। तो जिसको अभी जो ये जो व्लॉग जो पहले देख रहे हो प्लीज़ पहला व्लॉग देख लो, उसके बाद ये दूसरा व्लॉग देखो, आपको मज़ा आएगा ये पूरा जर्नी देखने के लिए। तो एक एक करके निकलेंगे, और यहाँ से भी लगभग डेढ़ घंटा जर्नी है, डेढ़ घंटा जर्नी है नौलहाटी। नौलहाटी एकदम यस गो 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 नौलहाटी एकदम तारापीठ टेम्पल का पास ही है, तो नौलहाटी पहुँचेंगे उसके बाद तारापीठ जाएंगे। सो ये वाला सीन है, ये तो राणा निकल गए हैं। इस बाइक में मैं और मेरा पिताजी हम लोग जाएंगे, और दूसरा बाइक में जा रहा है शुभो एंड सागर। ओके पीछे पीछे आ जाओ मैं, तो चलिए सेकंड ब्लॉक शुरू हो रहा है दोस्तों। ये शुरू हो रहा है सेकंड ब्लॉक, बिकॉज ब्लॉक को पहले मैंने ख़त्म क्यों किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए ये पार्ट में मैं कर रहा हूँ। तो चलिए अभी निकलते हैं, इट्स गॉन। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर, फीलिंग सो गुड। पर ये थोड़ा सा अंदर है, अंदर का मतलब जो मेन रोड है उससे थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा पूछ के लाना पड़ा। पर अगर है ना जस्ट लाइक ये पूरा एकदम देखो, पूरा एकदम गांव के अंदर है, चारों तरफ एकदम मिट्टी का मकान बहुत है, छोटे छोटे घर है। पर अगर आपको इच्छा होगा किस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए तो ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हम लोग का टोटल 2 से 3 दिन का ट्रिप होने वाला है, इसमें हम लोग का टारगेट है 6 पीठ और 1 साधना पीठ, 7 जगह को एक्सप्लोर करना। इतना खतरनाक रास्ता है यहाँ पर, अगर कोई भी आपको मार भी देगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा तो एडवाइस ये आप लोगों को, इस जगह पे जो तारापीठ जब लोग आ रहे हो पर्सनल कार से कैब से, तो रात के टाइम में ये सब जगह से आप ट्रेवल मत करो, बेटर दिन के टाइम में ही करके आप जो क्रिकेटेश्वर मंदिर नौलहाटी का टेम्पल ये सब देख कर रात को आप निकल जाओ। देखो द लुक एट द रोड कंडीशन, हाउ पैथेटिक द रोड इज। तो इतना बड़ा हाईवे है, इतना इम्पोर्टेंट वे है, बट इसका कंडीशन देखो कितना बुरा है, सब बाइक कार ट्रक्स रोडों के चल रहा है। पूरा सीन बहुत ही बढ़िया है, पूरे एकदम बंगाल का जो एकदम विलेज है। और इस ट्रक का कंडीशन देखो कैसे हिल दुल कर आ रहा है, कैसे हिल रहा है देखो, देख कर ही बुरा लग रहा है ट्रक का कंडीशन देख कर। सो दिस इज़ अ सीन। तो ऑलमोस्ट हम लोग मोरग्राम जगह ना का मोरग्राम राइट, मोरग्राम क्रिकेटेश्वर मंदिर से सीधा आने के बाद मोरग्राम मोरग्राम से हम लोग बाई टर्न लेकर सीधे जा रहे हैं नौलहाटी। अगर बोले कि बड़ा फाइन रास्ता है, एक रास्ता को दोस्तों एटलस में पहुंच चुका हूँ नौलहाटी मोड़। यहाँ से हम लोग को जाना है मंदिर की तरफ,
देखो रास्ते का कंडीशन इतना खतरनाक है भाई, पूछिए मत। एक्चुअली ये बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, सामने ही बॉर्डर है, और हर दिन हज़ारों हज़ारों ट्रक हज़ारों ट्रक पत्थर लेके बिहार से बंगाल जाते हैं। तो गाइस इसीलिए पत्थर की इतना प्रेशर रहती है, इसीलिए रास्ते का कंडीशन बार बार रिपेयरमेंट के बाद भी ऐसे ही टूट जाते हैं। सो थिंग इज दैट डिस्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यार, इतना इंपॉर्टेंट रास्ता। NH 34 कंडीशन तो ठीक ठाक ही था, कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम था, बट उसके बाद जो मोरीग्राम से जो शुरू हुआ अमेजिंग पैथेटिक गाइस। तो नौलहट्टी एक स्टेशन भी है, थिएटर के सामने जो नौलहट्टी स्टेशन है, बट ट्रेन तो अभी बंद है लॉकडाउन के लिए। मंदिर जब कौन दिखता है रेलगेट क्रॉस। ओके ये है ट्रेन स्टेशन, बट लॉकडाउन में ट्रेन बंद है, हम लोग इसीलिए पूछ के जा रहे हैं नौलहट्टी टेम्पल। तो ये सामने रेलगेट अभी बंद है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पूरा रुक कर थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो सागर इतना धूल में बाइक चला के कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लुक एट द फेस ऑफ शुभो। शुभो यही है, शुभो एखाने शुभो इसका फर्स्ट एडवेंचर राइड है, इतना खतरनाक होगा। माता जी बहुत टेस्ट ले रहे परीक्षा, ये परीक्षा एग्जाम हो रहा है सागर, माता जी एग्जाम ले रहे हैं। ओके माता जी के पास जाएंगे ही जाएंगे। ओके तो भाई इतना भयंकर एक्सपीरियंस पूछिए मत, मेरा तो कमर सर सब कुछ दुखता है, दुख रहा है। एक्चुअली ज़्यादा हम लोग जानी नहीं कि मैक्स में 250 किलोमीटर वी हैव ट्रेवल्ड येट 250 किलोमीटर, बट द थिंग इज दैट इतना भयंकर प्रेशर 260। आपका तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपके घर से यहाँ पर आने के में वहाँ से। सो थिंग इज दैट जर्नी ज़्यादा नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का जो सड़क का कंडीशन, बाई गॉड ये लग रहा है कोई दूसरा ग्रह में हम लोग पहुँच गए, कहीं भी सड़क नहीं हुआ है। सो गाइस दैट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी, आप कभी जो ट्रैवल करने को निकलोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट हर रास्ता अच्छा होगा, कन्वीनियंट होगा, बट इट्स ओके फाइन। शुभ एन एक्स ओपिनियन, फर्स्ट टाइम सैनिटाइजर यूज करने के बाद हाथ भी अभी तक भी मैल नहीं है। सो गाइस ये रास्ते के बारे में ममता जी को एक बार प्लीज। हां भाई सीएम को रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रास्ते के बारे में थोड़ा सा देखिए। ओके और क्या बोलूं, चलिए ट्रेन आने के बाद गेट ओपन हो जाएगा, मंदिर में पहुंचेंगे, मोदी के मंदिर में पहुंचने के बाद बाकी सीन आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं नौलहट्टी जो फेमस काली माता का टेंपल है, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। ओके इस मंदिर का नाम है नौलहट्टेश्वरी टेंपल। क्यों नाम है इसका पूरा सीन भी आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ है, माँ काली का 51 फीट है, 51 फीट का मतलब उसका शरीर का 51 एक मिनट रुक जाइए, उसका शरीर का 51 पार्ट जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ वहाँ एक एक मंदिर हुआ है। तो इस जगह पे जो नली, जो माँ काली का जो नली होता है ना, नली तो दिखाना हो गंगा का जो नली, ये गिरा था इस जगह पे, तो इसीलिए ये मंदिर यहाँ पर हुआ है और इसका नाम है नौ, नाम देखकर बोलता हूँ नौलहट्टेश्वरी मंदिर। तो चलिए थोड़ा सा अंदर जाके देख सीन कैसा है। एक बहुत ही भव्य सीन है, बहुत ही खूबसूरत जगह पर, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा कारपेट बिछा हुआ है यहाँ पर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे, घंटी बजाना मेरा फेवरेट है, ये बड़ा वाला हो जाता हूँ बिकॉज वाह, जस्ट फील द वाइब्रेशन ऑफ द टेम्पल भाई, थोड़ा सा लग रहा हो पागल के तरह। व्लॉग शूट के टाइम में थोड़ा सा यू नो हेयर में पाल माल ठीक कर लेता हूँ, सोचो 200, 250, 300 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद
सब कुछ दिमाग से चला जाता है। सो कैमरा को घुमाता दोस्तों टेम्पल को दिखा रहा हूँ। टेम्पल का भी टाइम हो चुका है दोपहर को, तो ये बंद है, अभी भोग चल रहा है। ये है फाटक, बंद है, कुछ देर बाद खुलेगा, भोग भी मिल सकता है शायद। सो आई थिंक वी आर सो लकी। चलिए देखते हैं। মন্দির কখন খুলবে গো? এখন ভোগ চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তো মায়ের কি কি নলা পড়েছে না, কণ্ঠপুর নন্দপুর নালা না, এই নামটা মন্দিরের না কি, নালেশ্বর। অ্যামেজিং অ্যামেজিং, গণপতি বাপ্পা। सो द बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ है किसी मंदिर, किसी जो स्पिरिचुअल जगह है वो, उसको एक हिस्ट्री रहता है। आधुनिक टेम्पल भी होता है, बट एक प्राचीन टेम्पल्स का क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है, क्योंकि तो सीन यहाँ पर जो बलि चढ़ाने के लिए सब जगह, यहाँ पर भेड़ बकरियों को यहाँ पर रख कर उसका सर कलम कर दिया जाता है। दिस इज़ मच अमेजिंग। तो एक हर टेम्पल, हर मंदिर के एक हिस्ट्री होता है, इसका हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। और भी हिस्ट्री जानेंगे, पूजा भी हम लोग देंगे, बट थोड़ा देर के बाद। भाई बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, बट अभी थोड़ा सा रेस्ट लेकर बाकी सीन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार ख़त्म, माता जी का भोग हो चुका है। अभी जो मंदिर का जो फाटक अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया बंद है, वो अभी खुल चुका है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये नौलहट्टी टेम्पल, जो इतना फेमस है क्योंकि ये एक पीठ है, जो माता काली का 51 पीठ है उसमें से एक है, एक उनमें से ये वन ऑफ द 51 पीठ। तो आपको दर्शन करवाता हूँ माता जी का। लुक एट द सीन, गॉर्जियस अमेजिंग। ये आप देख रहे हो साक्षात नौलहट्टी टेम्पल का माता जी का, एकदम मंदिर के एकदम अंदर से पूरा सीन दोस्तों। भाई गॉड, यहाँ पर प्रसाद भी दिया हुआ है पुरोहित पुरोहित जी के लिए, पुरोहित जी डिस्ट्रीब्यूट करते, बट मैं छू नहीं सकता, मैं छूना भी नहीं चाहता हूँ। ये पूरे मंदिर का अंदर का घर का सीन है। इधर कोई पंखा भी चल रहा है। आई लुक एट द सीन ओवर हियर, जैसे पास से भी आपको दिखा रहा हूँ माता जी का फेस को। दिस इज एक्चुअली अभी लोग बहुत कम आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब कोविड है और ट्रेन में भी नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा खाली खाली है। बट नॉर्मल डे में आओगे तो नॉर्मल टाइम में तो यहाँ पर बहुत क्राउड है। फीलिंग सो एक्साइटेड, इतने पास सीखने अंदर से मंदिर की माता जी को दर्शन करना एक सौभाग्य का काम, इतना कष्ट करके आने के बाद माता जी के इतना करीब से दर्शन मिले, अपने दिल को शांति देता है। तो दोस्तों ये है पूरा सीन, ये मंदिर के एकदम ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। अंदर है जो मंदिर पूरा खुल चुका है, एकदम पास से देखो माता जी का भव्य प्रतिमा। ये सब मतलब काली माता का भक्त है। जय माँ काली। हाँ नला नला नली नली माता जी का नली यहाँ पर गिरा था, इसीलिए इस टेम्पल ऊपर ये पिलर से बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये फाटक पूरा अंदर जाने के लिए यहाँ पर भोग दिया गया था, भोग आप भी दे सकते हो खरीद कर, पूजा भी दे सकते हो। एक हिस्टोरिकल टेम्पल है, हिस्टोरिकल सिर्फ नहीं, एक स्पिरिचुअल है, हिस्टोरिकल है, तो हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का एक विश्वास भी है। द ट्रस्ट अलॉट लॉट ऑफ पीपल कम। जब आप नेक्स्ट टाइम अब जब तारापीठ में आओगे तो इस टेम्पल का भी दर्शन करो। तारापीठ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। कैसे आना है लोकल गाइड से पूछ लो, टोटो लेकर भी आ सकते हो, पर्सनल कैब है तो कोई इशू नहीं है। इस टेम्पल के भी दर्शन करके जाओ। तो दोस्तों टीका लग चुका है, कम इसका मतलब है पूजा हो चुका है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा घंटे स्पेंड करने के बाद अभी निकलने का टाइम है, क्योंकि हम लोगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज़ द तारापीठ। तारापीठ जाएंगे, वहाँ पर कुछ खाना भी खाएंगे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि पूजा देना है तारापीठ में, इसीलिए थोड़ा सा मैं स्टार्विंग कर उपवास रख रहा हूँ। सो दीज़ आर थिंग्स। यहाँ पर हाथ धोना फॉरबिडेड है,
फॉरबिडन है, यहाँ पर पानी पीने का जगह है। ओके, तो चिल वाटर भी यहाँ पर मिल रहा है, लोग हाथ धो रहे फिर भी। सो दोस्तों, दिस इज द एग्जैक्टली थिंग। तो अभी यहाँ से चलते हैं तारापीठ, ब्लॉक को यहाँ पर ख़त्म करें और क्या करें, शुभ ब्लॉग को यहाँ पर ही क्लोज करते, तारापीठ में जाकर दूसरा ब्लॉग शुरू करें। एक्चुअली गाइज, ब्लॉग में ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा क्लिप करके कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा होगा आप भी बोर हो जाओगे। एग्जैक्टली, दैट मोस्ट ना, अभी इतना खराब रास्ता नहीं है शायद, अभी रास्ता नॉर्मल होगा शायद, मेरे ख्याल से तो लगता है, बिकॉज सिटी में हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवे छोड़ के। तो ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते, फिर से मुलाकात करें, बिकॉज मैं स्प्लिट में ब्लॉग कर रहा हूँ। ये ब्लॉग के पहले का जो ब्लॉग था, ब्लॉग वन, वो ज़रूर देखना, कैसे मैं कोलकाता से इस एरिया में आया हूँ। और पहले जो टेंपल मैंने जो देखा, पहले फर्स्ट टेंपल का नाम क्या था, क्रिकेटेश्वरी टेंपल, वो पहला ब्लॉग पहले देख लो। ये दूसरा ब्लॉग था, इस ब्लॉग का, इस टेंपल का नाम है नौलटेश्वरी टेंपल। और इसके बाद हम लोग का जो थर्ड एंड फाइनल ब्लॉग आ रहा है, दैट इज द तारापीठ, जो आज का डे का अट्रैक्शन है। सो गाइस, पहले का ब्लॉग देखो, ये ब्लॉग देखो, और इसके बाद जो तारापीठ का मेन ब्लॉग आ रहा है, वो ब्लॉग भी जरूर देखना। सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इन तारापीठ।